हेलो फ्रेंड्स, तो लॉकडाउन का टाइम चल रहा है। आई होप आप लोग इस समय में अपना टाइम यूटिलाइज कर रहे होंगे और जो भी मैं डेली पजल्स दे रहा हूँ उसको सॉल्व कर रहे होंगे। साथ ही साथ आप में से अगर कुछ लोग अपने कुछ लैंग्वेजेस इम्प्रूव करना चाहते हैं या कुछ नए कोर्सेज पढ़ना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है लॉकडाउन को यूज़ करने का। तो नए नए कोर्सेज मैंने अपनी वेबसाइट pratikjainacademy.com पे नए नए कोर्सेज वहाँ पे लॉन्च किए हैं। एक बार आप साइट विजिट करिए, कोर्सेज को देखिए। अगर आपको लगता है कि उनमें से कोई कोर्स आप लेके उससे पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं तो आप उससे पढ़िए। और अगर कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप मुझे वेबसाइट के एंड में या फिर डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दिया हुआ है, उस पर कॉल करके आप मुझसे कोई भी गाइडेंस या सजेशन भी ले सकते हैं, या फिर कोर्स के रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो डेली हम पज़ल एक सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कि मैंने ये कल आपको एक पज़ल दी थी। तो लॉकडाउन का टाइम हमें यूज़ करना है, तो डेली पज़ल सॉल्व करनी है, अच्छे अच्छे कोर्सेज पढ़ने हैं और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है। ये एक बहुत ही अच्छा टाइम है, ऐसा टाइम शायद हमें लाइफ में दोबारा ना मिले हमारे स्किल को इम्प्रूव करने का। तो ये टाइम आप यूटिलाइज करिए, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या था, मूव 4 मैच स्टिक्स टू मेक 3 स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। हमें 4 माचिस की तीली, 4 मैच स्टिक को हम मूव कर सकते हैं और इससे हमें 3 स्क्वायर बनाने हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि 3 स्क्वायर जो हमें बनाने हैं वो डिफरेंट साइज़ के होने चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। ये बात आपको नोट करने की है, उसका जो साइज़ होगा वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, सेम साइज़ के नहीं होना चाहिए। तो उसका एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ। आप में से कई लोगों ने आंसर दिया है और जिन लोगों से नहीं बना है उनके लिए मैं आंसर यहाँ पर दे रहा हूँ। हो सकता है कि जो मैं आंसर दे रहा हूँ उसके अलावा भी कोई पॉसिबल आंसर हो जो आप लोगों ने निकाला हो, लेकिन उनमें से एक जो सॉल्यूशन पॉसिबल है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो देखिए हमें 3 स्क्वायर बनाने, तो ऑब्वियस सी बात है एक स्क्वायर यहाँ पर बन सकता है, दूसरा यहाँ पर बन सकता है और तीसरा आउटर वाला बन सकता है। तो ये 3 स्क्वायर हम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये वाली जो मैच है, पहली फर्स्ट मैच को मैं मूव करा रहा हूँ मैच स्टिक को, तो ये फर्स्ट मैच स्टिक मैंने मूव करा के यहाँ पर प्लेस कर दी। तो मैंने फर्स्ट मैच स्टिक मूव कर दी है, मेरे पास अब 3 रिमेनिंग है क्योंकि मैं 4 मैच स्टिक को मूव कर सकता हूँ। दूसरा मैं काम करता हूँ कि ये वाली जो मैच स्टिक है, ठीक है, ये वाली जो मैच स्टिक है इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, तो जिससे कि क्या होगा कि हमारे पास दो एक स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे मूव कर देता हूँ, ठीक है। ये वाली जो सेकंड मैच स्टिक है इसको मैंने यहाँ पर कर दिया, तो 2 मैच स्टिक हम लोग मूव करा चुके हैं, ठीक है। सॉरी, ये दोबारा से मैं कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये सेकेंड मैच स्टिक को मैं मूव कराता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर मूव करा दी, तो ये एक इनर वाला स्क्वायर बन गया। और अभी तक मैंने सिर्फ 2 मैच स्टिक मूव कराई है, एक ये और एक ये, अभी मेरे पास 2 चांसेस रिमेनिंग है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, अब ये वाली जो मैच स्टिक है, ठीक है, इस मैच स्टिक को मैं ये यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। ये 3rd मैच स्टिक मैंने यहाँ से उठाई, ठीक है, और इसको मैं लेके जाता हूँ और इसको तो रोटेट करना है मुझे, ठीक है। इसको मैं रोटेट कर देता हूँ ये, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये 3री मैच स्टिक मैंने प्लेस कर दी, और फोर्थ फोर्थ में ये वाली ले लेता हूँ और इसको भी मैं रोटेट कर देता हूँ। और ये लास्ट मेरी 4th मैच स्टिक है, इसको मैं प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे ऊपर प्लेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो, इस स्टेप के बाद में मेरे पास कंप्लीट 3 स्क्वायर्स बन गए हैं और तीनों के जो साइज़ है वो डिफरेंट है। इसको मैं फिर से कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये 3 स्क्वायर्स बन गए। देखिए, तो ये 1st स्क्वायर, 2nd स्क्वायर और ये 3rd स्क्वायर। तो इस तरह से तीनों स्क्वायर्स यहाँ पर हमारे बन गए और 4 मूव मैंने कराए। हाँ, लेकिन हो सकता है कि इसके अलावा भी कोई आंसर हो और आपका आंसर वो भी अगर कोई इसके अलावा भी आया होगा तो वो भी करेक्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारी आज की पजल थी, सॉरी कल की पजल थी। अब आज की पजल क्या है, अब हम वो देखते हैं। आज की पजल भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग को पसंद आएगी। देखिए क्या है, अ मेल एंड अ फीमेल पर्सन आर सिटिंग ऑन अ बेंच। एक मेल और एक फीमेल जो है वो एक बेंच पर बैठे हुए हैं, ठीक है। आई एम अ मेल, एक पर्सन, दोनों में से जो एक पर्सन है वो बोलता है आई एम अ मेल।
सेज द पर्सन विद ब्राउन हेयर, जिसके ब्राउन हेयर हैं वो बोलता है कि मेरा नाम, मैं जो हूँ वो मेल हूँ, ठीक है. आई एम अ फीमेल, सेज द पर्सन विद द ब्लैक हेयर, तो जो ब्लैक हेयर में है वो फीमेल बोलती है. अब कंडीशन ये है, इफ एटलीस्ट वन ऑफ देम इज लाइंग, मतलब कि उनमें से एक जो है वो झूठ बोल रहा है तो हमें बताना है हु इज मेल एंड हु इज फीमेल, मतलब कि इन दोनों में से एक जना झूठ बोल रहा है तो बताओ कौन मेल होगा और कौन फीमेल होगा, ये आपको बताना है, ब्राउन हेयर वाला या फिर ब्लैक हेयर वाला पर्सन, उन दोनों में से कौन मेल है और कौन फीमेल है ये हमें बताना है. तो ये आज आपका पजल है, इसके लिए आपके पास एक दिन का टाइम है, कल तक का आप इसको टाइम को यूटिलाइज करिए. फिर से मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करिए, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करिए, घर से बाहर ना निकले, जितने भी गवर्नमेंट्स के रूल्स हैं उनको फॉलो करिए, जल्दी ही हम इस कोरोना को हरा के हम अपने देश को आगे लेकर जाएंगे. बस आप घर में बने रहिए और सारे रूल्स को फॉलो करिए और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करिए. थैंक यू वेरी मच.